सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दिल्ली एनसीआर की कुछ बेहतरीन नर्सरीज टिशू ग्रीन प्लैनेट के साथ में। मेरा नाम है संदीप कलशन। सो सबसे पहली नर्सरी जो है वो जो मेरी दिल के बहुत करीब है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट नर्सरी पॉट्स एंड मोर, सिचुएटेड है फरीदाबाद हरियाणा में। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी पॉसिबल है, वो भी ऑल ओवर इंडिया। शैलजाब सर ने इसे बहुत प्यार से संजोया है, इसे वर्ल्ड की बेस्ट नर्सरी भी कहें तो 100% चलेगा। स्पेशलाइज इन कैक्टस, सकुलेंट्स, बोनसाइज, एग्जॉटिक प्लांट्स एंड अमेजिंग पॉट्स एंड प्लांटर्स। आपको यहाँ सब टाइप्स के स्टोन्स भी मिलेंगे। ओवरऑल वन स्टॉप शॉप फॉर गार्डन लवर्स, सो प्लीज़ डोंट मिस इट। सो दोस्तों जो ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नर्सरी बहुत अच्छी है, दूसरी वाली बेकार है, ऐसा नहीं है। ये मैं सिर्फ सीक्वेंस में आपको बताते जा रहा हूँ जो मैंने नर्सरीज कवर करी है। सो मेरी वीडियो का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कोई नर्सरी अच्छी है कोई बुरी है, सबके अपने फ़ायदे हैं सबके नुकसान हैं। तो दोस्तों इसी सीक्वेंसिंग में मैं आपको ये वीडियोस आगे कवर करता रहूँगा। सो दोस्तों जो सेकंड नर्सरी आ रही है जो दिल्ली के दिल में बसती है, ये नर्सरी कनॉट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम के बहुत पास में है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट नर्सरीज में से एक शुमार है इसका। और दोस्तों यहाँ पे आपको हर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, सीजनल हर्बल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट्स, मसाला प्लांट्स, कॉफ़ी के जो मतलब पहली बार मैंने कोई प्लांट देखा था वो यहाँ देखा था, फ्रूट प्लांट्स एंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। सो दोस्तों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का शिवाजी स्टेडियम पड़ता है, बंगला साहिब गुरुद्वारे के बहुत पास में है, जैन मंदिर इसकी नियरेस्ट लोकेशन है। सो ऑनलाइन ये विद इन डेली एनसीआर कर देते हैं, तो वन ऑफ दी गुड नर्सरी में से इसका शुमार है, जिसको लोग इसको मानते हैं। सो दोस्तों जो नेक्स्ट नर्सरी की बात करने जा रहा हूँ वो है कमलेश नर्सरी, मयूर विहार फेज़ वन मेट्रो के पास है एंड लोगों में काफ़ी पॉपुलर है ये। ऑनलाइन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है, सीजनल प्लांट्स, प्लांटर्स, एग्जॉटिक प्लांट्स में भी ढेर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने इनकी वीडियोस काफ़ी बार कवर करी है और हर बार व्यूअर्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिए हैं। सो अच्छी नर्सरीज में से मानी जाती है ये। दोस्तों जो नेक्स्ट नर्सरी आ रही है वो कमलेश नर्सरी के बहुत पास पड़ती है, रामराज नर्सरी। सो दोनों साथ ही साथ हैं। सो यहाँ के जो ओनर हैं जो मेंटेन करते हैं वो दिनेश हैं, एंड दोस्तों दिनेश बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सपोर्ट बहुत करते हैं। तो सीजनल प्लांट्स यहाँ 10 रुपये से शुरू हो जाते हैं, इनके बारे में कभी भी किसी व्यूअर ने गलत रिव्यूज़ नहीं दिए हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं इनसे। इन दोनों नर्सरीज़ के अलावा यहाँ कम से कम 20 नर्सरीज और हैं, बट रामराज ने अपना अलग ही स्टैंडर्ड, अपना अलग ही स्वैग बना रखा है। सो ऑनलाइन डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जैसे कमलेश का है वैसे ही मयूर विहार फेज़ वर इनका भी पड़ता है। सो दोस्तों छोटी छोटी नर्सरीज की बात करूँ, जो रोड साइड नर्सरीज की बात करूँ तो बाबा नर्सरी और राकेश नर्सरी बहुत ही छोटे नर्सरीज हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा रखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट शुरू होते हैं वो 8 रुपये से शुरू होते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी 10-12 नर्सरीज हैं और ये अक्षरधाम दिल्ली के पास पड़ती है। एंड दोस्तों सीजनल प्लांट्स 8 रुपये शुरू, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी नर्सरी के होने के अलावा भी काफ़ी कम रेट्स हैं इनके। और दोस्तों मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको सपोर्ट करिए, छोटी छोटी नर्सरीज हैं, इन्हें सपोर्ट हमारे की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं। अब मैं अगर अगली नर्सरी की बात करूँ तो जो रोड साइड पे वहीं पे यमुना साइड पे ही बैठे होते हैं बच्चे, अक्षरधाम के पास में, जैंसी गंजे के पास में, तो अंकुश एंड आकांक्षा दोस्त, ये दो बच्चे थे जो बहुत पॉपुलर हुए मेरी वीडियोस के थ्रू। और ऐसे ही ये बहुत सारे और बच्चे बैठते हैं जो अपने माता पिता को सपोर्ट करते हैं, इनके रेट्स भी बहुत कम होते हैं जैसे कंपेयर टू बड़ी बड़ी नर्सरीज के। सो मैंने काफ़ी बार पूरी की पूरी नर्सरी खरीद ली है इनसे, तो जिन जिनको सपोर्ट मिल सके ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी इन्हें ऐसा ही अपनी सपोर्ट देते रहिए। एक और नर्सरी है जो इंडिया गेट के बहुत पास पड़ती है, यहाँ पे फ्रूट वैरायटीज़ अमेजिंग है, मियाजाकी मैंगो जो लाखों रुपए किलो बिकता है वो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है, और भी बहुत सारी इनके पास में ऑप्शंस हैं। सो आपको यहाँ हर टाइप के सीजनल परमानेंट प्लांट्स, क्रीपर्स एंड बाकी बहुत कुछ भी मिलेगा। ओनली दिल्ली एनसीआर तक प्लांट्स भेज सकते हैं ये, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इनका सेंट्रल सेक्रेटरीट या इंडिया गेट के आसपास के जो स्टेशन हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मेट्रो स्टेशन से मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से प्लांट्स भी ले जा सकते हैं, आप प्लांट्स मेट्रो में ले कर जाना अलाउड नहीं है, आपको आप पहुँच सकते हो लेकिन आपको जब आपने ख़रीद लिए हैं तो आपको कोई ऑटो या फिर आपको कैब वगैरह करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं, मेट्रो में पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट नर्सरी आती है चेतराम नर्सरी, वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है ये नर्सरी,
बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ रीजनेबल प्लांट्स भी हैं, प्लांटर से भरी पड़ी है। नितिन और अंशुल दो भाई हैं जो यहाँ पर मैनेज करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये विद इन दिल्ली NCR प्लांट भेज सकते हैं। सो दोस्तों, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा यहाँ का तिलक नगर पड़ता है, यहाँ से आप रिक्शा लेके 20 रुपये में आप इस एरिया पहुँच सकते हैं। इस लोकेशन को चंद्र विहार बोलते हैं दोस्तों। सो बहुत सुंदर नर्सरी है, आप पूरी वीडियो भी आप मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मेरी जो वीडियो थी वो हर्ष नर्सरी थी। सो जो दिल्ली एंड गुड़गांव के पास बिजवासन एरिया पड़ता है पालम विहार, ये वहाँ पर पड़ती है। तो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत सस्ती है। यहाँ के ओनर जितेंद्र जो बहुत ही सपोर्टिव हैं और जो केयर टेकर अखिलेश बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। यहाँ आपको गाड़ी से या ऑटो से ही आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नहीं पड़ता है। बिजवासन एरिया में कम से कम ये तो 25-30 बड़ी बड़ी नर्सरीज है, लेकिन इनके रेट सबसे कम है, ये मेरी गारंटी है। मेरी अगर आप बात नहीं माना चाहते तो मत मानो, लेकिन आप वहाँ जाके खुद देखो। ऑनलाइन के लिए इन्होंने किसी से टाइप किया है तो आप उनसे कॉल करके पता कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा इस नर्सरी को कि आप यहाँ पर जाएँ और अपने अपने प्लांटर्स खरीदें, क्योंकि इनके पास में जो ऑप्शन है बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की नर्सरीज की, तो दुर्गा नर्सरी ये हमारे सेक्टर 55 में पड़ती है। सो यहाँ के जो ऑनर है मिस्टर अजय, अमेजिंग नॉलेज है, समझाने का जो तरीका है इनका, मैं कायल हो चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने इनकी कम से कम तो 7-8 वीडियोस बनाई हैं। अमेजिंग पर्सनैलिटी, ये बहुत अच्छे प्यार से समझाते हैं। आपको यहाँ हर टाइप के प्लांट्स मिलते हैं रीजनेबल रेट्स पर। गुड़गांव में तो है पर इनके रेट्स काफ़ी कम है, क्योंकि गुड़गांव में यूजली रेट्स ज़्यादा होते हैं कम्पेयर टू दिल्ली, और प्लांट्स भी हेल्दी हैं। दिल्ली NCR में आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाएगी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका रैपिड मेट्रो सेक्टर 55 पड़ेगा, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल। दोस्तों, अगर नेक्स्ट की बात करो तो चलती फिरती नर्सरी है साहिब नर्सरी, वेस्ट दिल्ली टैगोर गार्डन में पड़ती है। ये चलती फिरती नर्सरी तो है ही, और इनकी एक शॉप भी है जो वहीं पे टैगोर गार्डन में है। तो आसपास 5-6 किलोमीटर तक अपनी रिक्शा से लोगों के घर तक प्लांट्स पहुंचा देते हैं। ये अपने आप में ही एक अलग तरीके का सेटअप है, एंड हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि न्यू सेटअप्स हैं और उस हिसाब से इनके रेट्स वगैरह काफ़ी कम है। तो बनता है दोस्तों एक बार यहाँ पर जाना। छोटी छोटी नर्सरीज की बात मैं हमेशा से करता रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट आ रही है घनश्याम नर्सरी, यहाँ पर 8-10 छोटी छोटी नर्सरीज हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। ये चिला खादर जगह पड़ती है, अपोजिट स्टार सिटी मॉल, नियर एक्सटेंशन मेट्रो। इस लेन में करीब 10 नर्सरीज हैं। मालिका का नर्सरी को क्रॉस करते ही ये नर्सरी पड़ती है। घनश्याम भाई बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं, 8 रुपये से शुरू हो जाते हैं, 8-10 रुपये से सीजनल वगैरह। जैसे अभी विंटर्स आ जाएगा तो आप बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। घनश्याम नर्सरी के साथ में ही मालिका का नर्सरी पड़ती है, ये भी चिल्ला खादर में पड़ती है। सो मिस्टर अभिषेक यहाँ के ओनर हैं, एंड कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचा दें। शायद कुछ टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर हो पाएगा। और इनका सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, रेट्स बहुत ही रीजनेबल है। सो एक बार जाना बनता है दोस्तों यहाँ पर भी। नेक्स्ट है प्रकृति गार्डन स्टूडियो। मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट आती थी कि आप इस नर्सरी को कवर करें, तो दोस्तों यहाँ पर है वैद्य राहुल चौधरी जी। ये नर्सरी जो है 2-3 लोकेशंस पर है, एक है मयूर विहार के पास में, एक है दूसरी जवाहर कॉलोनी जो थोड़ा सा गुड़गांव या फिर साउथ दिल्ली के पास में पड़ता है। मैं लोकेशंस वगैरह डाल दूंगा। तो वैद्य जी के पास में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। सुनना देखने वाली बात है कि देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। ये न्यू प्लांट से दवाई बनाते हैं, और इनके पास बहुत पेशेंट्स देश विदेश से आते हैं। इनके बिल्कुल इनकी नर्सरी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये एक अपना अलग ही एक औदा मैनेज करके मेंटेन करके रखा हुआ है। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक दवाइयाँ बिल्कुल कम होती जा रही है, लेकिन जो इनकी नॉलेज है वो बड़े बड़े लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप इन सर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब अगर गुड़गांव की बात करूँ तो ये निशा नर्सरी है। ये 3 डिफरेंट लोकेशंस पर इनकी नर्सरीज है। ये वाली जो है, जो फर्स्ट बात करने जा रहा हूँ, ये गुड़गांव सेक्टर 55 में आती है। बहुत अच्छे एंड हेल्दी प्लांट्स मिलते हैं, इनडोर आउटडोर एक्जोटिक प्लांट्स की यहाँ भरमार है।
दिल्ली NCR में डिलीवरी ये कर देते हैं, तो गुड़गांव के हिसाब से रेट इनके भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों, निशा नर्सरी की जो सेकंड लोकेशन पड़ती है, जो सेकंड ब्रांच है इनकी, दिल्ली गुड़गांव टोल के पास पड़ती है, उमराव होटल के पास में। बेहद खूबसूरत नर्सरी है, दो बार मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने चैनल पे। सो दोस्तों, इंडोर प्लांट्स इनकी USP है, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स रखते हैं, और जो यहाँ पे मैनेज करते हैं वो भी बहुत अच्छी उनको नॉलेज है प्लांट्स की, प्लांटर्स की, एवरीथिंग। सो दोस्तों, बनता है एक बार फिर से यहाँ पर भी जाना। अगली जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है श्री बालाजी बीज भंडार, कापा सेड़ा, दिल्ली मेन रेड लाइट के पास पड़ती है। अगर आपको छोटे 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 जो सैपलिंग्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए आपको अपने फार्म सेट करने हैं, या आप शॉप या नर्सरी, मतलब आपको कुछ और भी आपको होलसेल में भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप ढूंढते हो, और दोस्तों रीजनेबल प्राइस के साथ में टूल्स, एसेसरीज, एवरीथिंग। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं मिलेगी। ऑनलाइन डिलीवरी शायद ये नहीं कर पाता क्योंकि इनका होलसेल का इतना ज़्यादा काम होता है कि ये शायद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको इतने सारे प्लांटर, छोटे 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 सैपलिंग्स मिलते हैं, तो सीजनल भी होते हैं, सब्जियाँ भी होती हैं, आपको हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ पर जाना हमेशा से। तो दोस्तों, नोएडा में एक नर्सरी है, ग्रीन डायमंड नर्सरी, बहुत बड़ी नर्सरी है, सेक्टर 128 में पड़ती है। हालांकि थोड़ा सा दूर ज़रूर है ये, लेकिन अच्छी नर्सरी है, और आपको ऑप्शन यहाँ पे हर कुछ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ के आसपास आप रहते हैं तो आप एक बार ज़रूर जा सकते हैं, और रेट वाइज भी बहुत ही अच्छा, रीजनेबल है इनका सब कुछ, मतलब जो इनके प्लांट्स, प्लांटर्स, कंपोस्ट, दवाइयाँ, हर एक ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर। सो दोस्तों, निशा नर्सरी जो मैंने दो कवर करी थी, एक इनकी अलग ब्रांच है, बिजवासन में पड़ता है, लेकिन उसका नाम है ग्रीन प्लैनेट करके नर्सरी है। सो ये हालांकि मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी बाकियों से। सो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हर किसी का रेट अपना होता है, प्लांट्स के अकॉर्डिंग होता है, बट नर्सरी बहुत सुंदर है इनके पास में। अभी जब विंटर्स जब आ जाते हैं तो इनके पास पेटूनियाज, पेटूल का, इतनी सारी ऑप्शंस हो जाती हैं, वर्बीना वगैरह की, सॉरी मैंने पेटूल का बोल दिया, पेटूल का विंटर समर्स का प्लांट है। सो बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस इनके पास में मिल जाती हैं, तो बनता है दोस्तों एक बार यहाँ पर जाना अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। नेक्स्ट की बात करूँ तो यह है वृंदा नर्सरी, बसंत कुंज, फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने पड़ती है। छोटी सी नर्सरी है बट ओवरऑल ठीक है। अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, तो रेट वाइज ओके है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप, सो ठीक है, चलेगा। लास्ट नर्सरी की बात करूँ तो लक्ष्मी नर्सरी है दोस्तों, ये रोड साइड द्वारका पड़ती है, सेक्टर 9 के पास में। छोटी सी नर्सरी है, लॉकडाउन में जॉब चली गई तो इस भाई ने छोटी सी अपनी नर्सरी खोली अपनी बेटी के नाम पर, लक्ष्मी के नाम पर। तो इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, इन लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं आपके साथ में ऐसे ही बना रहूँगा, कोशिश करूँगा को आपको मैं और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। सो अपना प्यारा से बनाए रखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।